अच्छा सुनो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेयर सीरम। जैसे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जिनका हो रहा है, फ्रिजी हेयर हो रहे हैं, हेयर में बिल्कुल भी बाउंस नहीं है, एकदम फ्लैट लग रहे हैं, चिपकू चिपकू से हो रहे हैं और हेयर फॉल भी काफ़ी हो रहा है, उनके लिए मैं एक हेयर सीरम ये लेके आई हूँ। बहुत ही इजी हेयर सीरम है ये है, ये मैंने बनाया हुआ है घर पर और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके लिए कोई भी आपको ज़्यादा सामान कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल दो चीज़ों से ही मिलकर ये सीरम बनने वाला है और बहुत ही अच्छा है हेयर के लिए। एक महीने अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताऊंगी मैं कि इस सीरम को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर चलिए बताती हूँ इस सीरम को कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, हेयर सीरम बनाने के लिए मैंने पहले लिया हुआ एक बोल और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब मेथी दाना डाला हुआ है और उसमें पानी मिला दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और ये आपको ओवरनाइट छोड़ देना है पानी डाल के। और जब आप दूसरे दिन देखेंगे तो मेथी का जो दाना है वो देखिए कितना बड़ा हो गया है फूल के इस तरह से, पूरे रात जब मैंने रखा था। और फिर एक पैन लीजिए और उसमें ये पूरा डाल देना है आपको मेथी दाना और पानी। गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए और थोड़ा सा पानी इसमें और आप ऐड कर सकते हैं अलग से, क्योंकि ये बॉईल होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा इसलिए। फ्रेंड्स, मेथी दाना बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स और औषधि गुण होते हैं बहुत सारे, जो बालों की हर प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करते हैं। इसका यूज़ करने से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेट बहुत तेज़ी से होता है, जो हमारे हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। और फ्रेंड्स देखिए, एक बॉईल आ गया है। इसमें आपको कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए गैस पे रखना है और उसके बाद आपको ये छान लेना है जो पानी निकलेगा। ये मेथी को आप अलग कर दीजिए और ये पानी ले लीजिए और ये जब ठंडा हो जाए तो उसमें आपको 2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल डैंड्रफ रिमूव करता है स्कैल्प से और हेयर को शाइनी बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। इसको आप धीरे धीरे करके 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहिए, क्योंकि एलोवेरा जेल जल्दी से मिक्स होता नहीं है, इसलिए तो आपको अच्छे से मिक्स करते रहना है। और उसके बाद एक बॉटल में आप इसको भर लीजिए। और इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जब हेयर वॉश करने जा रहे हैं तभी इसको लगाएं, नहीं, आप जब रात में जैसे सोने जा रहे हैं तो आप इसको इस तरह से स्प्रे करके पूरे स्कैल्प में अच्छे से लगा देना है और ओवरनाइट छोड़ दीजिए। और अगर नहाने से, हेयर वॉश करने से पहले आपको ये लगाना है तो आप इसको 1 घंटे पहले ऐसे ही स्कैल्प में अच्छे से लगा लीजिए और 1 से 2 मिनट के लिए आपको पूरे लगाने के बाद पूरे स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चिपचिपापन नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पड़ी है जिससे आपके बाल एकदम चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं है। और इसका यूज़ करके आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बालों में बाउंस ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये हेयर के लिए। इस तरह से आपको हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करनी है। इसको आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर वॉश करने के 1 घंटे पहले भी यूज़ कर सकते हैं, रात में सोने से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई भी नहीं, किसी भी तरह से आपको बस इसको हेयर में यूज़ करना है। देखिए, मैंने ये किया, देखिए कोई भी बालों में चिपचिपापन नहीं है, मेरे बाल जैसे थे सेम वैसे ही हैं, बिल्कुल भी किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगा रखा है। इस सीरम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, विंटर के लिए बेस्ट है ये।